हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम प्रथम भाषा हिंदी के पाठ एक बरसते बादल के भाषा की बात पढ़ने जा रहे हैं। भाषा की बात मतलब व्याकरण अंश। सबसे पहले इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। एक शब्द के अनेक शब्द हैं। यहाँ पर तरु का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, द्रुम, बिरच, दरख्त, गगन, आसमान, आकाश, नभ, व्योम, अनंत, अंबर, अंतरिक्ष, अभ्र, ख, दिव, द्यो, वियत, शून्य। घन का पर्यायवाची शब्द है मेघ, बादल, जलद, नीरद, पयोद, वारिद, अम्बुद, पर्जन्य, जीमूत, बलाहक, वारिवाही, जलधर, पयोधर, वारिधर। बिजली, घनप्रिया, इंद्रवज्र, चपला, दामिनी, ताड़ित, विद्युत, चंचला, सौदामिनी। आगे देखते हैं धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, जमीन, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धारित्री, चिति, उर्वी, भूमि, रत्नवती, तृण। तृण का पर्यायवाची शब्द है तिनका, घास, दूब। दिन, दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण, वासर। तम, अंधकार, तिमिर, अंधेरा। दादुर, दादुर का पर्यायवाची मेढक, मंडूक, वर्षाभू, दर्दुर, वर्षाप्रिय, भेक। वारी, नीर, तोय, अंबु, उदक, पानी, सलिल, पय, मेघ पुष्प और जल। जन, लोग, मनुष्य समूह, जनता, प्रजा। आगे है दिन, दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण, वासर। तम, अंधकार, तिमिर, अंधेरा। मोर, मयूर, कलापी, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, सीतापांग, नीलकंठ, सिखी, शिवसुत वाहन, कलापी, बरही, केकी, अहिबक्षी, शिखंडी, भुजंग भुक। गण, झुंड, गिरोह, समूह, संघ, वृंद, समुदाय, दल, झल। निकर, तोम, पुंज। धारा, प्रवाह, धार, जलधारा। झरना, प्रताप, निर्झर, उत्स, स्रोत, सोता। सो, यहाँ पर आपका तत्सम और तद्भव रूप दिया गया है। तत्सम शब्द जो है तत् प्लस सम से बना हुआ है। इसका अर्थ है कि ऐसे शब्द जो बिना किसी बदलाव के संस्कृत से समान रूप हमने अपनी हिंदी में पढ़ा है वो क्या है, तत्सम रूप। सावन, श्रावण, सपना, स्वप्न, सूरज, सूर्य। तद्भव रूप, तद्भव जो है तत् प्लस भव से बना है। इसका अर्थ है जिसकी उत्पत्ति या उद्भव संस्कृत से हुआ है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उद्भव हुए हैं वो है तद्भव रूप। गण, गण,
वारी बारी, चंद्र चांद। अब वचन बदलना। वचन आप जानते हो संख्या, एक या अनेक, एक वचन या बहुवचन। एक वचन धरती, धरती का बहुवचन भी धरती ही है। मेघ, मेघ। सपना, सपने। तरु, तरु। झिल्ली, झिल्लियां। बूंद, बूंदे। झूला, झूले। धारा, धाराएं। ये था वचन। अब देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द या विपरीत शब्द, ऐसे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं वो कहलाते हैं विलोम शब्द। गिरना का उल्टा अर्थ है उठना। दिन, रात। जागना, सोना। सुख, दुख। उठना, बैठना। भीतर, बाहर। जीवन, मरण। धरती, आकाश। अब देखते हैं समास। समास और उसका विग्रह। चातक गण, इसका समासिक विग्रह, समास विग्रह है चातक के गण। और ये समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसमें कि दूसरा पद प्रधान होता है। सोन बालक, सोन का बालक, ये भी क्या है तत्पुरुष समास। आद्र सुख, आद्र का सुख, ये भी तत्पुरुष समास है। तृण तृण, हर तृण, ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिसमें कि प्रथम पद जो है प्रधान होता है। अब देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ से एक ही दिया गया है बच्चों, मन को भाने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या है, मन भावन। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी भाषा की बात समाप्त होती है। अब आते हैं गृह कार्य पे। आपको क्या करना है, आपको पर्यायवाची शब्द, वचन और विलोम शब्द जो मैंने दिए हैं उनको याद करना है और अपनी कॉपियों में एक बार लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।